ये तस्वीरें हम आपको सीधे अयोध्या से दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उनके साथ कैबिनेट के जो बाकी मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। दरअसल आज योगी कैबिनेट की बैठक 12 बजे से होने वाली है रामनगरी अयोध्या में, और उससे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां आप देखिए हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए इस वक्त आप योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, उनके पीछे ब्रजेश पाठक को भी आप देख पा रहे हैं, साथ ही मंत राजू दास जो हनुमानगढ़ी के मंत हैं वो भी बगल में चल रहे हैं। पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, आसपास के इलाके को बहुत काफी वक्त से जो रूट था उसको डाइवर्ट किया गया था। और हिमांशु हमारे साथ बने हुए ग्राउंड जीरो से। हिमांशु, हम तस्वीरें देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए, इसके बाद कैबिनेट की बैठक भी होगी, जरा तस्वीरें दिखाएं वहां से और जानकारी भी दें। कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, इसके बाद आप देखिए एक और बस यहां पर ये तैयार खड़ी है, और तीन बसें यहां पर आप देख रहे हैं। तीन बसेस में पूरे कैबिनेट मंत्री यहां पर मौजूद हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव भी इस बैठक में भाग लेंगे, प्रदेश के मुख्य सचिव, गृह डीजीपी व सूचना निदेशक भी मौजूद रहेंगे। और इन सारी बसों को आप देखिए किस तरह से सजाया गया है, सबसे बढ़िया आप ये देखिए 100% इलेक्ट्रिक बस, ये आप देखिए इलेक्ट्रिक बस, अयोध्या में पॉल्यूशन ना हो, अयोध्या की नगरी को साफ स्वच्छ रखा जा सके, उसकी पहल भी। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी आपको इसी तरह की बस अयोध्या की चौड़ी सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कार्य योजना बना ली गई है, सारी तैयारियां यहां पर कर ली गई है, और इस तरह की अगर बस आपको अयोध्या की नगरी में देखने को मिले तो आप देखिएगा यहां पर भव्य दीपोत्सव की बात की गई है, भक्ति और शक्ति का उत्सव दीपोत्सव की तरह मनाया गया। क्या ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के अंदर से, जहां देखिए इस वक्त हनुमान जी के दर्शन और आरती कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरती करके वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये देखिए आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि कैबिनेट की बैठक होने वाली है। विनोद मिश्रा हमारे साथ, हमारे योगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, हनुमान बजरंग बली के दर्शन करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उनके साथ तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद हैं, और इसके बाद कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। क्या जानकारी है आज के पूरे कार्यक्रम को लेकर के, और इस तस्वीर के बारे में भी बताएं जरा। देखिए कुछ देर पहले ही सीएम योगी जो है वो अयोध्या में रामकथा पार्क के पास जो हेलीपैड बना है वहां उतरे थे, सारे मिनिस्टर्स को यहीं पर उतरना था, यहां सभी असेंबल हुए, यहां से इलेक्ट्रिक, तीन इलेक्ट्रिक बसेस हैं जिसके जरिए सभी जो है हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना होगी, उसके बाद सभी लोग उसी इलेक्ट्रिक बस से जो है वो रामलला विराजमान जो राम जन्मभूमि है वहां जाएंगे, वहां पर भी दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद वापस जो अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय है अयोध्या में वहां पहुंचेंगे, और यहां पर मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो होनी है। जो वक्त दिया गया है 12 बजे का वक्त है, 12 बजे सीएम अपने मंत्रियों के साथ यहां बैठक करेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक भी खास है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव है जिन पर मोहर लगनी है, जिसमें खासतौर पर जो इनलैंड वाटरवेज की जो बात की जा रही है उसका एक प्रस्ताव है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरयू में बात किया जा रहा है कि सरयू के जरिए जलमार्ग की शुरुआत की जाएगी, और ये इसलिए यहाँ से एक प्रस्ताव यहाँ पे मोहर लगेगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि चूंकि एक मैसेज देना था, कई मायनों में बेहद अहम ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। विनोद, ये तस्वीरें भी काफी कुछ कहती हैं, रामनगरी अयोध्या के विकास और कायाकल्प के लिए कई बड़े फैसले और एजेंडे आज की कैबिनेट बैठक में होने जा रहे हैं। यहाँ में योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, और उससे पहले हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, हम आपको तस्वीरें भी लगातार वहां से दिखा रहे थे। योगी आदित्यनाथ के साथ उनके जो कैबिनेट के तमाम मंत्री हैं वो भी वहां पर बजरंग बली के दर्शन के लिए पहुंचे। हिमांशु हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए, हिमांशु दिखाएं तस्वीरें और अपडेट्स भी दें। ये बसें यहां से निकल रही हैं और ये बस से सीधे पहुंचेंगी श्री राम जन्मभूमि रामलला के मंदिर में। देखिए एक बस यहां पर निकल चुकी है जिसमें मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री हैं, और अब ये दूसरी बस यहां पर निकल रही है। ये देखिए राम की नगरी अयोध्या में स्वागत है, ये इस बस में लिखा हुआ है, और यहां पर भी देखिए सभी कैबिनेट मंत्री यहां मौजूद हैं। उसके बाद सभी अधिकारी जिसमें एसएसपी हैं, जिसमें नीतीश कुमार जो यहां के डीएम हैं, वो भी अब राम जन्मभूमि की तरफ जा रहे हैं, रामलला के दर्शन होंगे। और उसके बाद देखिए अब सभी अधिकारियों की गाड़ी निकलने के बाद एक और बस जो सबसे आखिर में है उसको भी पूरी तरह से सजाया गया है, इलेक्ट्रिक बस है, और आने वाले वक्त में अयोध्या की नगरी में इसी तरह की बसें अगर आपको दौड़ती हुई नजर आए तो आप अचंभा मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पर सड़कों का चौड़ीकरण कर दिया गया है। यहां पर जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो राम पथ हो, चाहे वो लक्ष्मण पथ हो, सुग्रीव पथ यहां पर बनाया जा रहा है, भक्ति पथ यहां पर बनाया गया है, इन सभी रास्तों को चौड़ा किया गया है ताकि नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से इस तरह की बसें यहां पर चलाई जा सके।
ये देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बस अभी यहाँ से निकली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और इसी तरह की बस जिसको गेंदे के फूलों से सजाया गया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ तीन ऐसी बसें हैं, इलेक्ट्रिक बस पूरी तरह से, जिसमें कहा गया है शक्ति और भक्ति का उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। और शक्ति भक्ति का उत्सव मनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद अब सीधे श्री राम जन्मभूमि जा रहे हैं। अब रामलीला के वहां पर दर्शन करेंगे और रामलीला के दर्शन करने के बाद जो वहां पर निर्माण कार्य वहां पर किए जा रहे हैं उन सभी का यहां पर जायजा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर निकल चुके हैं, उसके बाद वहां पर देखिए कि किस तरह के इंतजाम वहां किए गए हैं। बैरिकेटिंग करके सारी गाड़ियों को रोक दिया गया था, अब एक एक गाड़ी को वहां से निकाला जा रहा है। और यहां पर देखिए कि सारे लोग इस वक्त भीड़ यहां पर जुटी हुई है। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में, क्योंकि ज्यादा दूरी है नहीं हनुमानगढ़ी से, अगर यहां पर रामलला मंदिर की बात करें तो बहुत ज्यादा दूरी यहां पर है नहीं, लेकिन इन लोगों से भी हम बात करते हैं कि इन लोगों का क्या मानना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे कैबिनेट के साथ यहाँ पर आए, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा हमको, बहुत बढ़िया लगा हमको। अयोध्या कैसी लग रही है अभी? बहुत सुंदर लग रही है। प्राण प्रतिष्ठा की क्या तैयारियां हैं? बहुत सब बहुत बढ़िया है। जी जी, सब बहुत बढ़िया है। उत्साह जो श्रद्धालु हैं, राम भक्त हैं, उनमें नजर आ रहा है। आप गए भी, आपके जरिए जो कैबिनेट की बैठक होगी उससे जुड़े हुए अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाएंगे।